चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस से दुनिया को छुटकारा नहीं मिला है कि तब तक चीन से फिर से एक वायरस ने संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बंदरों से संक्रमण फैल रहा है। इस वायरस को मंकी बी वायरस का नाम दिया गया है। चीन ने इस वायरस के फैलने की बात को कबूल भी कर लिया है। मंकी बी वायरस बंदर से निकला है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक राजधानी बीजिंग स्थित एक पशु चिकित्सक से बंदर से निकले वायरस मंकी बी वायरस की पुष्टि की गई है। इलाज के दौरान पशु चिकित्सक ने दम तोड़ दिया है। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि डॉक्टर के संपर्क में आने वाले सभी लोग ठीक हैं। कहीं चीन अभी भी कोरोना की तरह मंकी बी वायरस के खतरे की सच्चाई दुनिया से छिपा नहीं रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर की मौत 27 मई को हो गई थी, लेकिन अब तक चीन इसे छुपाए रहा। सवाल ये भी उठता है कि चीन ने इतने दिनों बाद डॉक्टर की मौत की पुष्टि क्यों की है। ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के शुरुआती दिनों में डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई थी और उसे उल्टियां आनी शुरू हो गई थी। इससे पहले लगातार उसकी जी मचला रहा था। इस वायरस को सबसे पहले 1972 में पहचाना गया था। ये एक तरह का जीनम मकाका के मैकॉक्स में से एक अल्फा पीरियस वायरस एंजियोटिक है। ये भी कोरोना वायरस की तरह ही संक्रमण फैलाने में सक्षम होता है और इंसान से इंसान में भी फैलता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।